वेलकम टू शेफ्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कैप्सिकम, हरा कैप्सिकम 2 लिया है मैंने, 1 प्याज लिया है, इसको बड़े साइज में कट करके लिया है मैंने, और 1 येलो कलर का कैप्सिकम लिया है, इसको भी मैंने बड़े टुकड़े में कट करके लिया है। आप कोई भी कैप्सिकम ले सकते हो, रेड भी आता है इसमें, रेड भी यूज़ कर सकते हो। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है, 1 कप दही लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून, इसको गरम करके लिया है मैंने, और लाइम जूस लिया है 1 लाइम, और काला नमक लिया है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला लिया है मैंने 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, और ये 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा गरम करके फ्राई करके लिया है थोड़ा सा, और 2 टेबलस्पून मैंने चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। अब इन सब मसालों को मैं मिक्स करके लेती हूँ। 1 कप दही लिया है मैंने, वो पहले डालती हूँ। चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, बेसन, लाइम जूस, मस्टर्ड ऑयल, कॉर्नफ्लावर, इसको अभी अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार, हम लोगों ने ब्लैक नमक लिया है ऑलरेडी, तो इसमें नमक थोड़ा देख के डालिए। अभी इसमें ये प्याज, कैप्सिकम, इसको पहले डाल के मिक्स करके लीजिए अच्छे से। लास्ट में पनीर डालेंगे, क्योंकि पनीर ज़्यादा मिक्स करोगे तो टुकड़ा हो जाएगा। अभी पनीर का पीस इसमें डाल के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से कोट होना चाहिए। एकदम अच्छा बनेगा आपको ये पनीर टिक्का। देखो पनीर अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। अभी थोड़े देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है, फिर उसके बाद आपको फ्राई करना है इसको। जो मैंने मैरिनेट करके रखा था पनीर, इसको अभी मैं ये स्टिक में एक एक करके डालूंगी। ऑनियन लेना है 1 पीस, और 1 कैप्सिकम का पीस लेना है, 1 पनीर का पीस लेना है, कैप्सिकम, येल्लो कैप्सिकम, प्याज लेना है, पनीर का पीस, ऐसे एक एक करके आपको ऐसे स्टिक में ऐड करके इसको बनाना है। पनीर टिक्का ऐसे बनाना है। ये देखिए ऐसा बन के रेडी है। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने एक तवा रखा है पनीर फ्राई करने के लिए। ऐसा वाला तवा लीजिए आप, नॉन स्टिक। तवा गरम हो गया है, इसमें भी थोड़ा तेल डाल, 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालना है। अभी एक एक करके इसको ऐसे रखना है। इसका जो मसाला है बचा हुआ उसके ऊपर गैस को स्लो रखना है।
ये देखिए पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको चारों बाजू से भी आपको ऐसे ही फ्राई करना है। अच्छा कोटिंग भी आया है, ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।